फिरौन का पूरा वाकया बयान किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह बनी इसराइल को निकाला, जुल्म की चक्कीज में पिसे हुए थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को आज़ादी मिली। जब आज़ादी मिली है तो अब भई आप तौरात लेकर आएँ, अल्लाह की किताब लेकर आएँ ताकि हम उसको पढ़ें और हम उसको नाफिज करें। मूसा अलैहिस्सलाम गए तौरात लेने के लिए तो बनी इसराइल के कुछ लोग कहने लगे, ऐ मूसा हम जब तक आपके साथ गवाह बन के नहीं जाएंगे हमें यकीन नहीं आया। कैसे नालायक लोग, ना सारे मोजज़े देख चुके हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन को गर्क होते हुए देख लिया, अब भी कह रहे हैं कि कुछ बंदे हमारी तरफ से सिलेक्टेड जाएंगे, पता चले आप अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, वहाँ से तौरात ले भी रहे हैं, अपनी अखपल तरीके से तो नहीं कहीं लेकर आ रहे आप। कैसे नालायक, जो नालायक होते हैं ना वो सीधे नहीं होते, याद रखो। ये कुछ गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि ग़ुलामी में एक बहुत तवील अरसा गुजर गया था ना, तो हर चीज़ में ऐब, हर चीज़ में ऐब। तो इसी तरह बाज़ आदमियों की ये फितरत होती है, बाज़ औरतों की, बाज़ आदमियों की, कि हर चीज़ में किस पहलू को लेके जाना है, नेगेटिव पहलू को, हर आलिम की तकरीर से मनफी चीज़ निकालना है, हर आदमी की बात उसको उल्टी नज़र आती है, तो वो बदगुमान जल्दी होते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी ले गए अपने साथ, कौम के बड़े बड़े, उन्होंने अपनी आंखों से देखा भाई तौरात वहां से लेकर आ रहे हैं, तो फिर कहने लगे ऐ मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देख लेते यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह का जलवा तो मूसा नहीं कर सके, तुम करोगे? ठीक है, तुम करोगे? तो अल्लाह को इतना गजब आया कि अल्लाह ने उनपे वो बिजली की कड़क भेजी और वो सारे मर गए। जब मरे हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं जाऊंगा, जो गवाह थे वो तो शॉट, तो कौम तो मेरी ऐसी नालायक है, बोलेगी कुछ था ही नहीं भाई, गवाहों को क्या कर दिया, मार दिया। तो अल्लाह ने अपनी रहमत से उन 70 को दोबारा जिंदा किया। और मूसा अलैहिस्सलाम जब गए ना तौरात लेने के लिए, तो पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हजरत मूसा वक्त से पहले पहुंच गए अल्लाह के, अल्लाह ने जो टाइम दिया था ना कि इस वक्त आना, तो उससे पहले ही पहुंच गए। तो अल्लाह ने पूछा कि ऐ मूसा आप इतनी जल्दी क्यों आए? फरमाया आजिल तो इलैका रब्बी लितरज़ा, ऐ अल्लाह तुझे खुश करने के लिए, जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उससे मुलाकात का इंतज़ार कर रहा होता है और टाइम से पहले पहुँच जाता है। होता है कि नहीं होता? दूल्हा इसलिए शादी में टाइम से पहले नहीं पहुंचता, उसको शर्म आ रही होती है, वरना वो 6 दिन पहले जाके बैठ जाए तंबू में। हकीकत बता रहा हूँ, वो आपके इश्काल करेंगे ना भाई, उसको भी तो महाब, लेकिन वो तो लेट क्यों आता है? वो शो मारने के लिए लेट आता है कि हम बड़े लोग हैं, और उसको पता है दुल्हन मुझसे भी लेट है। तो जिससे इंसान को मुलाकात का शौक़ होता है, तमन्ना होती है, तो हजरत मूसा को अल्लाह से इश्क जैसी मोहब्बत, तो वक्त से पहले ही पहुँच गए। अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा तू यहाँ आ गया, तेरी कौम ने पीछे बछड़े की इबादत शुरू कर दी है। वापस गए, वो लंबा वाकया फिर इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के पास आए, तो क्योंकि अल्लाह का बार बार कलाम सुनते थे, कलाम सुनते थे, अल्लाह के कलाम की लज्जत महसूस की थी, तो दिल में तड़प पैदा हुई कि जिसका कलाम इतना लजीज है उसका जलवा कैसा होगा। तो अल्लाह से कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह तू मुझे अपना जलवा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कौल लन तरानी, अल्लाह ने कहा हरगिज़ मुमकिन नहीं है, लेकिन मूसा थे और अल्लाह जानते थे कि इनकी अंदर की कैफियत ऐसी है कि महज समझाने से बात समझ में नहीं आएगी, ऐसी कैफियत हो चुकी है। तो अल्लाह ने कहा चल करके दिखाता हूँ मैं तुझे, इंजुर इलल जबल, पहाड़ को देख, इस पर ज़रा सी तजल्ली डालूंगा, फ़ैन इस्तक़र्रा मकानहू, अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहर गया, फ़सऊफ़ा तरानी, तू भी देख सकता है मुझे। फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल, पहाड़ पर ज़रा सी तजल्ली पड़ी है, जालहू दक्का, पहाड़ टूट टूट के रेजा रेजा हो गया, इतना बड़ा पहाड़ जो है ना वो धमाके के साथ गायब हो गया। वख़र्रा मूसा सईका, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। फ़लम्मा अफ़ाका, जब होश आया, काल, तो क्या कहा, सुबहानक, ए अल्लाह तू इस ऐब से पाक है कि दुनिया की आंखों से तुझे कोई देख सके, और मैं तौबा करता हूं, मैंने गलत मुतालबा किया तुझसे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, या मूसा इन्नी इस्तफ़ईतुका अलन्नास, ए मूसा अब दीदार की ख्वाहिश छोड़ दे, अब जो तुझसे बातें कर रहा हूं वो गौर से सुन, मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है तमाम लोगों पर,
برسالاتی، اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ، میرا پیغام، جب میں انسانوں سے کوئی پیغام بات کروں گا تو میسنجر کون ہوگا؟ تو ہوگا. کیسا، کتنا بڑا مقام ہے کسی انسان کو جو دیا جا رہا ہے. جب میں اپنی بات عوام تک پہنچاؤں گا تو واسطہ کس کو بناؤں گا؟ تجھے. لہذا تو یہ سمجھ رہا ہے نا میں نے تجھے دیدار نہیں کرایا، تو یہ تیری توہین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اتنا اس دن عزت میں تجھے دے رہا ہوں. بات یہ کہ ان دنیا کی آنکھوں میں وہ طاقت میں نے رکھی ہے ہی نہیں، یہ تو مادی آنکھیں ہیں، یہ برداشت نہیں کر پائیں گی. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اب تو کام کو فوکس کر جو تجھے دیا جا رہا ہے، یہ چھوڑ دے کہ دیدار اور اللہ ملا اور باتیں کروں گا تجھ سے، دیدار کروں گا، ملاقات، یہ ہو جائے گا آخرت میں. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ کام کو فوکس کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ میرا پیغام لوگوں، دعوت اور تبلیغ، لوگوں کو میرے سے جوڑنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. کس طرح؟ یہ تورات ہے، خود اس کو تھام لے بقوا، مضبوطی سے. وامر قومت، اور اپنی قوم کو جا کے کہہ دے یا خود بی احسنہا، اس کو مضبوطی سے تھام لیں.